मगाटाने विधानसभा के शिवसेना आमदार प्रकाश दादा सुर्वे ने क्षेत्र के अव्वल आने वाले होनहार विद्यार्थियों का गुणगौरव सम्मान किया। इस दौरान विद्यार्थियों को टैब, लैपटॉप, नोटबुक, बैग जैसी कई अन्य शैक्षणिक सामग्री देकर विद्यार्थियों का गुणगौरव सम्मान किया गया। प्रकाश दादा सुर्वे का कहना है कि जो होनहार छात्र हैं उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित करने पर उनका मनोबल बढ़ता है और छात्रों का पढ़ाई में और ध्यान लगता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों का हमेशा वह गुणगौरव सम्मान करते रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में यही विद्यार्थी आगे चलकर बड़े अधिकारी और बड़े ऑफिसर बन सके। बच्चे बड़े मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप भी उनके लिए बहुत कोशिश करते हैं। रात भर वो जागते हैं तो उनको पफी बना के देना, चाय बना के देना, उनको सवेरे उठना, जगाना। पिताजी भी अपनी काफी टाइम देते हैं क्योंकि बेचारे बच्चे मेहनत करके अच्छा मार्क्स निकालते हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो बच्चे अच्छे पढ़ते 95 के ऊपर रहे तो उनको एक टैब और लैपटॉप देने का बात किया दे रहे थे, और उसके साथ उनको फोल्डर भी और उसके साथ चार चार नोटबुक भी और पेन भी दिया जा रहा है। तो बच्चों को उत्साह और बढ़े, उनका मान सम्मान और उसका बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे तो हमारा देश और उन्नति की तरफ जाए, इसके लिए उनको आपने देखा होगा कम से 400-500 बच्चे यहाँ आए थे, अच्छे मार्क्स किए थे, 70% के ऊपर, 75% के ऊपर। उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो भी सुविधा लगी वो सुविधा देने का काम हम लोग कर रहे हैं। पूरे कितने कार्यक्रम ऐसे दो दो वार्ड के मिलकर चार कार्यक्रम ऐसे हो जाएंगे। देखो जो बड़े आज मेरे मदरसे में भी दो लड़के आए सुबह, उनके घर में हम जाकर उनका सत्कार किया, उनके होल्डिंग्स लगाए। कोई दूसरे फील्ड में जैसा स्पोर्ट्स में करते उनका भी सत्कार करते। ये बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका सत्कार होना जरूरी है, इसके लिए हम कर रहे हैं। बच्चों को ये करने का मैंने बोला, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो बस कोशिश करो, जीत तुम्हारी होगी। जो आपने ख्वाब देखा है उसकी तरफ डट के रहो, उससे विचलित ना हो जाए। तो मुझे क्या विश्वास है कि वो भी अच्छे मुकाम पे पहुँचे। तो बारिश की वजह से कुछ घरें गिर गई थी, बेचारे गरीब थे, वो इतना घर नहीं बना सकते थे। इसके लिए मैंने शासन कब देगा नहीं देगा वो मैंने देखा नहीं, मैंने उनके घर बना के दिया। ऐसे हर साल 5-6 घर जब गिरते तो मैं बना के देता हूँ। तो हमारा फर्ज हम समझते हैं गरीबों की सेवा करना, इसके लिए गरीबों को हम घर बना के देना।